और भाई पहला सेमीफाइनल आपके सामने हुआ, अब दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। रेड पर भैंसवाड़ की तरफ से जबी और भाई मैच जहां पर मैच रुका था एक रेड के बाद वहीं से शुरू करवा दिया गया है। निशांत गांव शेखपुर जिला सोनीपत कैच लगा दिया भाई दर्शक साथियों भैंसवाल ने, भैंसवाल की तरफ से सागर इस समय रेड करता हुआ। उर्फ बोलू प्रदीप उर्फ बोलू गांव मोकलवास जिला गुड़गांव प्रो कबड्डी में ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा चुका है, राजस्थान से नेशनल में अपनी प्रतिभा दिखा चुका है और यहां पर पॉइंट लेने में बिल्कुल कामयाब रहा। ग्रीन आर्मी के खाते में एक पॉइंट जाता हुआ। भाई साहब बराबर सागर रेड पर इसके बाद फाइनल मैच है भाई। पानी की बाल्टी स्टेज पर रखिए, कोई भी वॉलंटियर भाई लाके टीम के पीछे रख दे, ग्रीन आर्मी के पीछे, हाँ ग्रीन आर्मी के पीछे रख दे पानी की बाल्टी लेके। हाँ जो स्टेज के बाद फाइनल मैच है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप सुबह से बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। 3100 रुपए की दूसरी टीम यहां मिल जाएगी और फाइनल की भी दूसरी टीम यहां मिल जाएगी। और भाई फिर रेड पर 11 नंबर जर्सी का खिलाड़ी जतिन पैसवाल की तरफ से रेड करता हुआ। आशीष बाजार पर किक का प्रयास, बड़ा बेहतरीन कॉर्नर भाई। आशीष भी इंडियन आर्मी के लिए सर्विसेज गेमों में खेल चुका है। फिर 2 नंबर जर्सी का खिलाड़ी निशांत इस समय रेड पर, ग्रीन आर्मी टीम का एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी इस समय रेड पर। बहुत अच्छा मैच होगा, दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन हैं। निशांत इस समय प्रयास कोशिश करता हुआ, राइडर आउट। सुमित ने शानदार बैक होल्ड कर लिया दर्शक साथियों। सागर इस समय डिसाइड रेड करता हुआ, 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भैंसवाल सोनीपत की तरफ से। सामने 5 खिलाड़ी ग्रीन आर्मी टीम के और जो है मोनू गांव लाखन माजरा जिला रोहतक है, बिल्कुल प्रो कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखा चुका है ये खिलाड़ी, 17 नंबर जर्सी का खिलाड़ी और यहाँ पर भी कैच लगा दी है, पॉइंट मिला ग्रीन आर्मी की टीम को। सोनू स्कोर 3-2 है भाई, 3-2 का स्कोर, 3 पॉइंट भैंसवाल और 2 पॉइंट ग्रीन आर्मी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई फिर रेड पर प्रदीप उर्फ बोलू, प्रदीप उर्फ बोलू इस समय रेड करता हुआ। भाई बड़ी बेहतरीन टीमें हैं साथियों, इन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार की ये टीमें हैं। पीछे पैर गैलरी में टच कर चुका है और पॉइंट मिला भाई दर्शक साथियों भैंसवाल की टीम को। कोई नहीं भाई, इनको डिस्टर्ब मत करो, हम आए तो हमारे थोड़ा बहुत। और अब रेड पर अटवारी और बब्बू पटली तरफ चले जाओ, ग्राउंड में भाई बैठ इकट्ठे करवाओ। प्रदीप इस समय रेड करता हुआ और दर्शक साथियों की टीम और दूसरी तरफ भारतीय थल सेना की टीम, इंडियन आर्मी की टीम, ग्रीन आर्मी, इंडियन आर्मी की जो टीम है उसको दो भागों में बांटा जाता है, रेड आर्मी और ग्रीन आर्मी, और ये ग्रीन आर्मी की टीम है।
सब के सब खिलाड़ी अपनी कबड्डी की काबिलियत से भारतीय थल सेना में कार्यरत है। तो चल भाई नीर गुलिया टीम के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ मंच पे आ जाएगा। आ जाए नीर गुलिया, सारे आ जाओ। हाँ नीर गुलिया कबड्डी टीम के स्टेज पर पहुंच जाए। बिल्कुल। अरे भाई नहीं बोलो भाई, तो वक्त पर गैलरी में चला गया था और बहुत ही अच्छा ये खेल मेला चलता हुआ भाई। अब रेड पर अमरजीत गांव शिवपुरा जिला चरखी दादरी, अमरजीत इस समय रेड करता हुआ। कोटा यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है ये यूनिवर्सिटी गेमों में। आज बैसवाड़ की टीम का उत्सव। सुशील प्रधान जी एक बार आ जाए मंच पे। सुशील प्रधान जी से निवेदन, प्रधान जी आप एक बार स्टेज पर जाए। संतना पुरस्कार की जो टीम है को भेजो जी, तिरगुलिया को भेजो मंच पे। सचिन है बुला ले भाई। और लीजिए भाई कर सकता हूँ और अब रोड पर निशांत। निशांत इस समय रोड पर सात खिलाड़ियों का डिफेंस। पैसवाल की टीम सात चार का स्कोर, 3 पॉइंट की लीड बैसवाल के पक्ष में। बैसवाल की तरफ से 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी पप्पू पटवारी। अरे मैच कट्टा करवा दो भाई, काम है। हां जाने बाकी एक मिनट में एक और मैच है। रिजल्ट का टाइम रुक का टाइम मारा नहीं साटा भाई। नीर गुलिया आ जाओ ना एक मिनट के लिए, आ जाओ सारे आ जाओ भाई। हमारे फोटोग्राफर संजय जी निशांत इस समय थर्ड रेड करता हुआ, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन खिलाड़ी है। अरे वो संजय आर्मी का, ग्रीन आर्मी का, लेकिन उतना ही बेहतरीन डिफेंसर है दर्शक साथियों। बैसवाड़ का पलक झपकते ही शिकार कर सकते हैं, लेकिन निशांत पॉइंट लेने में कामयाब। सुपर रेड ताली मारो मैं निशांत के लिए। यहाँ सुरवीर सरपंच के हाथों से दूसरा 3100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार नीर गुलिया को दिया गया है। भाई टीम कैप्टन। हाँ भाई एक जना कंट्रोल करो टीम को। बहुत ही अच्छे मोमेंट और पॉइंट अर्जित कर दिया है साथियों, उसके साथ ही सपोर्ट करें। अब रोड पर प्रदीप प्रदीपुर भोलू अभी समय रेड करता हुआ। मोकरवास गांव का आपके जिले का बड़ा अच्छा खिलाड़ी है और प्रो कबड्डी खेल चुका है। और ताली मारो मेरे साथियों, यह है सुमित भैसवाल। जबरदस्त एंकल होल्ड किया सुमित ने। भारतीय सेना के साथ है और बैसवाड़ के 9-7 का स्कोर। ग्रीन आर्मी 2 पॉइंटों से पीछे चल रही है, लेकिन जब तक निशांत मैच पर है कुछ नहीं कहा जा सकता इस स्कोर से, क्योंकि आपने देखा था सुपर रेड लगाई थी पिछली रेड निशांत ने, बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ रेडर है। इस समय रेड करता हुआ बहुत ही अच्छा रेडर है। आइए भाई, कमाल का मुक्के चोटी से लगा है।
भाई इस मैच के बाद एक और मैच फाइनल मैच जिसकी एक टीम हमें मिल चुकी है और जसर खेड़ी टीम फाइनल में है। इस मैच की विनर टीम टाकर इस समय डिसाइड रेड करता हुआ। बहुत ही अच्छा मैच है भाई। यदि दर्शकों आपको मैच में आनंद आ रहा है तो ताली मारो खिलाड़ियों के लिए, हमारी खेल कमेटी के लिए। बहुत अच्छा खेल टूर्नामेंट करवाया है और अब चार के डिफेंस में सागर बिल्कुल युवा रेडर है, प्रयास करेगा। लेकिन सामने भारतीय थलसेना के चार खिलाड़ी, बात करें मोनू की, बात करें आशीष की, ये है भाई आशीष कसार। ताली निशान सेकंड आपकी पहली रेड कर पहली रेड करता हुआ बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भाई इंडियन आर्मी की तरफ से अब तक के सबसे बेहतरीन रेडरों में निशान का नाम है। बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा सुलझा हुआ खिलाड़ी है और खेल भावना की बात करें वो उससे भी बड़ा भरपूर है। खेल भावना भी बड़ी अच्छी है इस खिलाड़ी के अंदर। भाई बार बार कहा जा रहा आप पीछे रहें और मैच में ध्यान रखें। रामराज जी क्योंकि किसी को चोट लग जाएगी, खिलाड़ी बड़े प्रेशर के साथ बाहर जाता है। दोनों टीमों का स्कोर नो पॉइंट, इधर भी नो स्कोर लेवल रहे। जो रेड मारे वो थोड़ा अपना प्रयत्न पर ध्यान रखें। अब रेड पर जतिन गांव धानी फोगाट, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल जूनियर स्तरीय खिलाड़ी है। निशांत इस समय फ्रंट रेड करता हुआ, पांच खिलाड़ियों का डिफेंस, बड़ा मुश्किल डिफेंस है। बात करें पांच में से चार खिलाड़ी डिफेंस के, चारों खिलाड़ी खड़े हैं। ये बहसवाड़ के लिए शुभ संकेत है कि इस समय पांच में से चार खिलाड़ी डिफेंडर है, तो दो कवर और दो कॉर्नर। लेकिन कैच लगा दिए हुए दर्शक साथियों, 10-9 का स्कोर बहसवाड़ के पक्ष में। और अब रेड पर साकर, साकर इस समय रेड पर 10-9 का स्कोर, एक पॉइंट की लीड कोई मायने नहीं रखती इस खेल में, कभी भी धराशायी किया जा सकता है। लेकिन दोनों टीमें इतनी बेहतरीन है कि आप किसी भी तरह का स्कोर है। दोनों ही टीमें बड़ी बेहतरीन है, चाहे इंडियन आर्मी की बात हो चाहे बहसवाड़ की बात हो, जिस प्रकार के मैच आज लगे हैं बिल्कुल बाबा की कृपा आज इस खेल कमेटी पर रही है। तो आप संकेत नहीं दे सकते किसी भी प्रकार के, 10-10 का स्कोर है दोनों टीमों का। थर्ड रेड टू वोट ऑल रेड डिसाइड रेड, इंडियन आर्मी की तरफ से थर्ड रेड, सामने पांच खिलाड़ी और फिर मैं संकेत की बात करूं तो चार डिफेंडर है बहसवाड़ के, पांच में से चार बहसवाड़ के डिफेंडर है। देखते हैं कौन किस पे प्रयास करेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल लगातार दोनों कॉर्नर दोनों कवर मजबूती से डिफेंस में है। 30 सेकंड का समय और कोई समय किसी का गुलाम नहीं कर सकता, समय अपनी गति चलता है। और बिल्कुल शुभ संकेत है इंडियन आर्मी की टीम के लिए, जो उनका रेडर मुख्य रेडर ग्राउंड पर था सागर, उसको ही बाहर कर दिया है। सेकंड 11-10 का स्कोर, एक पॉइंट की लीड, 11-10 का स्कोर, एक पॉइंट से ग्रीन आर्मी की टीम आगे आ चुकी है शायद इस मैच में। रेडर आधा और अब सुपर टैकल ऑन, निशांत इस समय रेड पर सुपर टैकल ऑन। स्कोर की बात करें तो एक पॉइंट से ग्रीन आर्मी की टीम आगे चल रही है। दाव मतलब बहुत ही अच्छा मुकाबला खेला है दोनों टीमों ने। पैसवाल भी बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी बेहतरीन टीम है। इस मैच में लूज करने वाली टीम को 3100 रुपए सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।
और जीतने वाली टीम फाइनल मैच खेलेगी। मैं दर्शक साथियों प्रदीप इस समय रेड करता हुआ गांव मोकलवास बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है। प्रो कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखाई है, राजस्थान की तरफ से नेशनल गेमों में अपनी प्रतिभा दिखाई है और आज भी अपनी प्रतिभा लगातार दिखाता हुआ व्यक्ति अपने जिले का एक खिलाड़ी है। और ठंडा डायलॉग है भाई और अब ऑल आउट का खतरा पूरी तरह भैंसवाड़ के सर आ चुका है। वन प्लस टू थ्री पॉइंट ग्रीन आर्मी, यानी कि बात करें तो आखिरी पांच मिनट शेष 17-11 का स्कोर, 5 मिनट बाद फाइनल की टीम मिल जाएगी। और अब तक बात करें तो भाई ग्रीन आर्मी की टीम भी अच्छी आगे चल रही है। ग्रीन आर्मी की टीम चाहेगी कि मैच को स्लो किया जाए और पैसवाल की टीम चाहेगी कि मैच को फास्ट किया जाए, क्योंकि लीड भी है। ताली मारो आशीष बाजार के लिए साथियों। बिल्कुल पलक झपकते ही रेडर का शिकार कर देता है 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी गाँव आदमपुर डाडी, वो भी भारत का एक बहुत बड़ा खेल गाँव है कबड्डी का, चर्चित आदरी जिले का। आखिरी 4 मिनट शेष, अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिंदुस्तान में गाँव आदमपुर डाडी से खेले हैं। पेड़ पर अब जतिन पर जिम्मेदारी है, जतिन अपनी जिम्मेदारी को क्या निभा पाएगा ये देखना होगा। और ताली मारो ना दर्शक साथियों, आखिरी 3 मिनट शेष और बात करें स्कोर की 19-12 का स्कोर है दर्शक साथियों। इंडियन आर्मी की टीम अब अपने रंग में आ चुकी है। और 1 पॉइंट पैसवाल को भी पॉइंट मिल चुका है। और अब रेड पर 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी है दर्शक साथियों, आपके अपने जिले का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, चाहे प्रो कबड्डी की बात हो नेशनल की बात हो, ये प्रदीप याक्षेस। 120 सेकंड का समय बचा हुआ है इस मैच में, अब 120 सेकंड में देखने वाला इसको 2 मिनट देखता है, लेकिन जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है वो 120 सेकंड देखता है इसमें। सागर इस समय प्रयास करता हुआ, सागर को पता है ये अनिश्चितताओं का खेल है। 19 भारतीय सेना के 19 है तो 14 बैट्समैन। थर्ड रेड, हाँ ये थर्ड रेड है, 2.5 रेड है और जसर फेरी की टीम तैयार हो जाए। 15-19 का स्कोर है, फिर रन आउट हो जाओ मैच। और लीजिए भाई दबे ताली बजा हुआ एक बार प्रदीप के लिए। मैच समाप्त हो चुका है, बहुत बढ़िया। ग्रीन आर्मी की टीम ताली बजाओ भाई, शुक्रिया भाई साथियों, दोनों टीमों के लिए ताली बजाओ एक बार भाई। पैसवाल की टीम अपना भारतीय थल सेना के लिए तो